फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। आज हम देखेंगे 8 to 5 9 प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर के बारे में। तो पहले उसके फीचर्स देख लेते हैं कि ये क्या करता है। तो 8 to 5 9 इज अ प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोल दैट कैन वर्क विद अ कंट्रोलर दैट कैन वर्क विद 8085 और 8086। ये दोनों के साथ वर्क कर सकता है, 8085 के साथ और 8086 के साथ भी। इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इंटरप्ट्स। ये क्यों यूज करते हैं हम लोग? नंबर ऑफ इंटरप्ट इंक्रीज करने के लिए। A single 8 to 5 9 provides 8 interrupts, while a cascade configuration of one master 8 to 5 9 and 8 slave 8 to 5 9 can provide up to 64 interrupts. That means अगर 8 8 to 5 9 लगाओगे तो आपको 8 interrupts दे सकते हो। अगर एक master 8 to 5 9 और एक 8 slave 8 to 5 9 लगाओगे तो maximum 64 interrupts आप दे सकते हो, right? Provide कर सकते हो। 8 to 5 9 can handle edge as well as level trigger interrupt. दोनों interrupt trigger कर सकता है, edge और level. अभी मैं आपको ये पहले बताता हूँ कि ये 8 to 5 9 programmable interrupt controller की जरूरत क्यों है। समझो कि ये हमारा है microprocessor 8086, right? ये हम लोग का क्या है, 8086 microprocessor है। यहाँ पे दो ही पिन है हार्डवेयर इंटरप्ट के लिए, सॉरी ये भी ऐसा नॉन मास्केबल इंटरप्ट और दूसरा आईएनटी से आईएनटी 0 टू आईएनटी 255 तक के इंटरप्ट हम लोग ले सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे तो दो ही हार्डवेयर पिन है, राइट? दो ही पिन से तो कीबोर्ड माउस अगर हम लोग देखें कौन माइक्रोप्रोसेसर को कौन कौन इंटरप्ट प्रोवाइड कर सकता है यार, तो कौन से कीबोर्ड है, माउस है, उसका प्रिंटर है, फ्लॉपी है, तो वो कहाँ पे कनेक्ट करेंगे? यहाँ पे तो दो ही चीज है ना, तो वो कौन से लाइन पे कनेक्ट करेगा? तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया, एक 8 to 5 9 करके इंटरप्ट कंट्रोलर लिया जो क्या करेगा, इंटरप्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। समझो ये कीबोर्ड से आ रही है, ये माउस से आ रही है, ये फ्लॉपी से आ रही है, तो ये क्या करता है, IR 0 दैट इज इंटरप्ट रिक्वेस्ट 0 और ये लास्ट वाला रहेगा इंटरप्ट रिक्वेस्ट 7। ये क्या करता है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और उसको किसको भेजता है, 8086 को भेजता है, राइट? तो यही काम है 8 to 5 9 का कि भाई 8 इंटरप्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उसको किसको भेजता है, 8086 को भेजता है। तो ये क्या कर रहा है, नंबर ऑफ इंटरप्ट्स को इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इंटरप्ट्स। तो अब इसका फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम देखते हैं कि ये कैसा है, आर्किटेक्चर देख लेते हैं हम लोग। तो इसका आर्किटेक्चर देखो तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। ये एक डेटा बस बफर है जिसके बारे में हम लोग को मालूम है, रीड राइट लॉजिक। एक कैस्केड बफर है जो कैस्केड मोड में यूज होगा। 8 to 5 9 दो मोड में यूज कर सकते हो, एक तो सिंगल मोड और एक कैस्केड मोड। सिंगल मोड में कितने इंटरप्ट प्रोवाइड कर पाओगे, 8 इंटरप्ट, और कैस्केड मोड में मैक्सिमम 64 इंटरप्ट। आपको चाहिए तो दो ही लगाओ कैस्केड मोड में, 3 8 to 5 9 चिप लगाओ तो भी चलेगा, वो हम लोग बाद में देखते हैं कि कैस्केड मोड में कैसा रहता है। ये कंट्रोल लॉजिक है और ये तीन चीज है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर, प्रायोरिटी रिजॉल्वर, इंटरप्ट इन सर्विस रजिस्टर और इंटरप्ट मास्क रजिस्टर। ये तीन रजिस्टर है। तो तीन रजिस्टर क्या करते हैं, इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर मतलब क्या, यहाँ पे ये 8 बिट रहेगा, राइट? तो ये जो भी रहेगा ना 8 बिट रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट। तो यहाँ पे आएगा ये IR 0 से लेके IR 7 तक, राइट? डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ये रजिस्टर का वैल्यू क्या रहता है, 0 रहता है। तो जब भी कोई भी लाइन पे इंटरप्ट आया, IR 0 से IR 7 में कोई भी लाइन पे आया, तो वो क्या सेट हो जाएगा, 1 सेट हो जाएगा। समझो कि IR 0 पे आया तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उससे हम लोग को क्या पता चलेगा कि भाई IR 0 पे इंटरप्ट आया, राइट? तो वैसे सेम मास्केबल रजिस्टर भी 8 बिट रजिस्टर है, जो भी रिक्वेस्ट को मास्क करना है वो सेट टू 1 हो जाएगा। इन सर्विस रजिस्टर भी सेम 8 बिट रजिस्टर है, उसमें क्या, जो भी माइक्रोप्रोसेसर जो भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट को सर्व कर रहा है वो क्या रहेगा, सेट टू 1 रहेगा। समझो कि अभी IR 0 को सर्व कर रहा है तो वहां पे क्या रहेगा, IR ये वाला जो पोजीशन रहेगा इस पे रजिस्टर का, वो क्या रहेगा, 0 1 रहेगा, राइट? तो ये थे रजिस्टर के बारे में। तो थोड़ा हम लोग इसके बारे में डिप पे देख लेते हैं कि इसका क्या है, डिप में पढ़ लेते हैं। इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर 8 to 5 9 हैज 8 इंटरप्ट इनपुट लाइंस, दैट इज IR 7 to IR 0।
इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर इज एन 8 बिट रजिस्टर हैविंग 1 बिट फॉर ईच ऑफ द इंटरप्ट लाइन। जो मैंने आपको बताया कि एक लाइन के लिए एक बिट दिया है, अगर वो लाइन पे इंटरप्ट आया तो क्या सेट टू 1 हो जाता है। इन सर्विस रजिस्टर क्या बोलता है, इट इज एन 8 बिट रजिस्टर, वापस ये भी एक 8 बिट रजिस्टर है, व्हिच स्टोर्स द लेवल ऑफ द इंटरप्ट रिक्वेस्ट विच इज अ करेंटली बींग सर्विस। मतलब जो कौन सी रिक्वेस्ट सर्व हो रही है उसका डेटा किसके पास रहेगा, तो इन सर्विस रजिस्टर के पास रहेगा। इंटरप्ट मास्क रजिस्टर क्या है, इट इज एन 8 बिट रजिस्टर विच स्टोर्स द मास्किंग पैटर्न ऑफ द इंटरप्ट ऑफ 8259। इट स्टोर्स द बिट पर इंटरप्ट लेवल। मतलब ये क्या स्टोर करता है कि भाई कौन से रिक्वेस्ट को आपको मास्क करना है, वो कौन स्टोर करता है, इंटरप्ट मास्क रजिस्टर स्टोर करता है। प्रायोरिटी रिजॉल्वर क्या है, इट एग्जामाइंस द IIR INSR एंड IMR, तीनों रजिस्टर को क्या करेगा, एग्जामाइन करेगा और डिटरमाइन करेगा विच इंटरप्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड शुड बी सेंड टू द माइक्रो प्रोसेसर। मतलब कौन से इंटरप्ट हायर प्रायोरिटी पे है और उसको हम लोग को सेंड करनी चाहिए माइक्रो प्रोसेसर को। तो देखो ये क्या है, तीनों रजिस्टर, देखो तीनों रजिस्टर कनेक्टेड है प्राइमरी प्रायोरिटी रिजॉल्वर को, ये वाला भी इसको कनेक्ट हो रहा है, इन सर्विस रजिस्टर भी इसको कनेक्ट हो रहा है और मास रजिस्टर भी इसको कनेक्ट हो रहा है। तो प्रायोरिटी रिजॉल्वर क्या करता है, ये तीनों रजिस्टर को एग्जामाइन करता है कि भाई कोई इंटरप्ट रिक्वेस्ट आया है वो मास्केबल तो नहीं है ना, अगर मास्केबल नहीं है फिर वो देखेगा इन सर्विस में कौन सी है, अगर इन सर्विस में हायर प्रायोरिटी वाली है तो ये वाली को क्या करेगा, होल्ड पे डाल देगा। अगर इन सर्विस में लोअर प्रायोरिटी वाली है लेकिन जो रिक्वेस्ट आई है वो हायर प्रायोरिटी वाली है तो क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजेगा थ्रू कंट्रोल लॉजिक, उसको क्या करेगा इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजेगा। तो जब भी एक इंटरप्ट आता है जैसे कि IR0 आया, माइक्रो प्रोसेसर में हमेशा याद रखना 0 इज द हायर प्रायोरिटी एंड जैसे जैसे नंबर इंक्रीज हो जाएगा प्रायोरिटी वैसे वैसे कम हो जाती है। तो एक जैसे ही रिक्वेस्ट आया इंटरप्ट रिक्वेस्ट IR0 में, प्रायोरिटी रिजॉल्वर क्या करेगा, पहले तो चारों एग्जामाइन करेगा तीनों रजिस्टर को, फिर उसने देखा कि यहाँ पे कुछ भी सर्व नहीं हो रहा है ठीक है और ये हायर प्रायोरिटी है और नॉन मास्केबल है, तो हम लोग क्या करेगा प्रायोरिटी रिजॉल्वर रिक्वेस्ट भेजेगा कंट्रोल लॉजिक को, कंट्रोल लॉजिक क्या करेगा INT रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, तो माइक्रो प्रोसेसर को, ये माइक्रो प्रोसेसर वाला पार्ट है। माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, अक्नोलेज करेगा INTA A। तो INTA A के दो पार्ट है, फर्स्ट INTA A में क्या करेगा ये 8259, वो कैलकुलेट करेगा वेक्टर नंबर को, किसको करेगा कैलकुलेट करेगा वेक्टर नंबर को कि भाई जो रिक्वेस्ट आया उसका वेक्टर नंबर क्या है। सेकेंड INTA में क्या करेगा, जो भी वेक्टर नंबर मिला है मतलब जो वेक्टर नंबर रहेगा उसको सेंड करेगा माइक्रो प्रोसेसर को। तो ये इसके दो पार्ट है, फर्स्ट INTA और सेकेंड INTA। तो ये इसके बारे में था। अभी डेटा बस बफर में क्या होता है, यहाँ पे देखो ये बाई डायरेक्शनल है, मतलब यहाँ से आपको जब रिक्वेस्ट आ रही है और आप जब वो डेट अपना इंटरप्ट आते हैं तब इंटरप्ट सर्विस रूटीन कॉल्ड होता है ISR, जो आपको मैंने इंटरप्ट वाले वीडियो में समझाया रहेगा। तो ये जो बाई डायरेक्शनल है उसमें क्या होता है, कभी कभी हम लोग को कमांड देना पड़ेगा किसको, इंटरप्ट मास रजिस्टर को, कि भाई कौन सा आपको कौन सा रिक्वेस्ट मास करना है। तो ये काम है यहाँ से, तो ये कोई कोई कमांड रहेगी जो इंटरप्ट मास्टर रजिस्टर को देने रहेगी, इसके लिए हम लोग को ये बाई डायरेक्शनल है, ये रीड भी करता है राइट भी करता है। रीड राइट तो आपको मालूम ही है कि क्या करेगा, रीड मतलब क्या, माइक्रो प्रोसेसर कुछ इनपुट या तो आउटपुट डिवाइस से रीड कर रहा है, और राइट मतलब क्या, माइक्रो प्रोसेसर कुछ राइट कर रहा है इनपुट या तो आउटपुट डिवाइस पे। और ये कास्केड बफर कंपैरेटर है, इसके बारे में हम लोग जब कास्केड मोड की बात करेंगे तब देखेंगे। तो इतना आपको समझा, आर्किटेक्चर आपको पूरा समझिएगा क्या होता है, कि ये तीन रजिस्टर है, प्रायोरिटी रिजॉल्वर है, प्रायोरिटी रिजॉल्वर क्या करेगा प्रायोरिटी सेट करता है, बाकी तीन रजिस्टर क्या करते हैं, ये रिक्वेस्ट है कि कौन सा रिक्वेस्ट आया वो देखेगा, वो स्टोर होता है इसके अंदर। मास्क रजिस्टर के बारे में क्या है कि कौन सी इंटरप्ट रिक्वेस्ट मास्केबल है। इन सर्विस रजिस्टर मतलब क्या कि विच रिक्वेस्ट इज अ सर्विंग नाउ, मतलब कौन सी रिक्वेस्ट अभी सर्व हो रही है। और कंट्रोल लॉजिक का काम क्या है कि भाई माइक्रो प्रोसेसर को रिक्वेस्ट भेजो इंटरप्ट की और एक्नॉलेजमेंट लेने का उससे। तो ये पूरा आर्किटेक्चर आपको समझ गया। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ब्रीफ में देखते हैं कि कंट्रोल लॉजिक क्या करता है। तो इट हैज INT आउटपुट कनेक्टेड टू द INTR ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर टू सेंड द इंटरप्ट टू द माइक्रो प्रोसेसर। ये क्या करेगा कि माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट भेजेगा। इट ऑल्सो हैज द INTA A इनपुट सिग्नल कनेक्टेड टू द INTA ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर टू रिसीव द इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। क्या करेगा, इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजेगा और इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट लेगा। डेटा बस बफर क्या करता है, इट इज अ बाई डायरेक्शनल बफर यूज्ड टू इंटरफेस द इंटरनल डेटा बस ऑफ 8259 विद द एक्सटर्नल डेटा बस। क्या करता है कि जो 8259 की इंटरनल डेटा बस है उससे कनेक्ट करता है डेटा बस बफर। रीड राइट लॉजिक क्या है,
इट इज यूज्ड टू एक्सेप्ट द रीड राइट ए जीरो एंड सी एस सिग्नल। कैस्केड बफर और कंपैरेटर क्या करता है? तो इसकी तीन लाइन है, सी ए एस टू, सी ए एस वन और सी ए एस जीरो। दिस लाइन आर आउटपुट फॉर द मास्टर इनपुट और द स्लेव। ओके, आउटपुट किसके लिए? मास्टर के लिए, और इनपुट किसके लिए? स्लेव के लिए। और नेक्स्ट क्या है? ये है एसपी अंडर एसपी एक्टिव लो और ईएन एक्टिव लो। इन बफर मोड इट फंक्शन एज द ईएन लाइन एंड इट इज इनेबल द बफर। इन नॉन बफर मोड इट फंक्शन एज द एसपी, दैट इज अ स्लेव मोड। ओके, जब बफर मोड में रहेगा तब क्या रहता है? इट एक्ट्स एज अ इनेबल लाइन फॉर द बफर मोड। और जब भी नॉन बफर मोड रहेगा इट फंक्शन एज द एसपी आउटपुट लाइन। राइट, अभी हम लोग देखेंगे, अब हम देखेंगे मास्टर स्लेव मोड में क्या, सॉरी अब हम देखेंगे कि कास्केड मोड में कैसे वर्क करता है। तो बहुत मैंने रफ डायग्राम बनाया है, तो ये आपको समझाने के लिए मैंने बनाया। तो ये क्या 8086 है, 8259 है, राइट? 8259 कनेक्टेड विद द मैनी वन और मैनी 8259, राइट? यहाँ पे मैनी 8259 कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा? ये कास्केड मोड हो जाएगा। यहाँ पे हर जगह पे भी आप 8259 को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने दो पे ही कनेक्ट किया क्योंकि आपको समझ में आए। तो ये कहाँ पे आया? 0 और आया 7 पे मैंने स्लेव एक कनेक्ट किया। तो जब भी कास्केड मोड में क्या रहेगा? एक मास्टर रहेगा और एक स्लेव रहेगा। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग इंटरप्ट रिक्वेस्ट दे रहे हैं, राइट? ये इसमें से एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट देगा जो एज अ IR0 यूज होएगा। ये भी यहाँ पे भी हम लोग 7 इंटरप्ट रिक्वेस्ट दे रहे हैं और ये इधर एक बन जाएगा, राइट? तो ये 7 इंटरप्ट रिक्वेस्ट में से एक ही इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजेगा यहाँ पे, राइट? तो ये कितने टोटल इंटरप्ट रिक्वेस्ट होगी? 8, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 22। टोटल हम लोग कितने रिक्वेस्ट, अभी नंबर ऑफ इंटरप्ट लाइंस होगी 22 इंटरप्ट लाइंस होगी। तो अब क्या होता है, बाकी सब तो नॉर्मल है, लेकिन जब भी आप इंटरप्ट भेजोगे, समझो कि इसने भी IR0 भेजा और इसने भी IR0 भेजा, तो दोनों हायर प्रायोरिटी है। ये तो लेगा, ये वाले IR7 को लेगा कि IR0 को? मास्टर के लिए कौन सा हायर प्रायोरिटी है? ये वाला। तो ये वाले स्लेव की क्या होगी? रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी। और पर इसको नहीं मालूम है किसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई। इन लोग को क्या लग रहा है? दोनों को लग रहा है कि मेरी रिक्वेस्ट सर्व होने वाली है। ये जाएगी किसके पास? 8086 के पास। पहला वाला अक्नॉलेज आएगा। पहले वाले अक्नॉलेज में क्या रहता है? वेक्टर नंबर कैलकुलेट करने के रहती है। लेकिन जब सेकेंड एक्नॉलेज आने वाला है, तब मुझे मास्टर को क्या करना है? मास्टर को वेक्टर नंबर सेंड करना है कि भाई कौन सा इंटरप्ट सर्विस रूटीन तुझे कॉल करना है। तो उसके लिए वेक्टर नंबर उसको रिटर्न भेजना है। तो मास्टर क्या करेगा? मास्टर क्या करता है कि मास्टर ये लाइन से CAS की ये जो तीन लाइन है ना, उससे लाइन से ये दोनों स्लेव को बताएगा कि भाई तुम लोग में से किसका एक्सेप्ट हुआ है इंटरप्ट रिक्वेस्ट। तो एज यूजल डिफॉल्ट सबका क्या रहता है? वैल्यू 0, 0, 0 रहता है डिफॉल्ट। और अगर समझो कि ये वाला स्लेव एक्सेप्ट हुआ है, तो 421111 ये क्या हो जाएगा? तीनों वन हो जाएगा। और ये जाके स्लेव कंपेयर करेगा, जो कास्केड कंपेरेटर हम लोग ने देखा था पहले वाले आर्किटेक्चर में, वो यूज करके वो क्या करेगा? कंपेयर करेगा और देखेगा कि मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या है? 0, 0, 0 है, राइट? मेरी वैल्यू क्या है? स्लेव की वैल्यू क्या होती है? 7 है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है? 111। ये कंपेयर करेगा 111 के साथ, ये मैच हो गई। तो ये मतलब क्या, उसको मालूम पड़ेगा कि उसका इंटरप्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुआ है और उसको वेक्टर नंबर किसको भेजना है? 8086 को वेक्टर नंबर भेजना है, उसको समझेगा। लेकिन यहाँ पे किसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने वाली है? IR0 की एक्सेप्ट होगी। क्यों? क्योंकि ये हायर प्रायोरिटी है। तो ये क्या रहेगा? 0, 0, 0 ही रहेगा। तो ये कंपेयर करेगा, इसका वैल्यू क्या है? 0, 0, 0, लेकिन क्या रहना चाहिए था? 111। क्यों? क्योंकि स्लेव 7 है, मतलब इसका वैल्यू रहना चाहिए था 111। कंपेयर करेगा, कंपेयर नहीं हुआ, उसके वजह से ये समझ जाएगा कि इसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे आएगा, ये वाले स्लेव का वैल्यू क्या रहेगा? 0, 0, 0। क्यों? क्योंकि ये IR0 है, इसका स्लेव 0 है। तो ये क्या होगा, तीनों दोनों कंपेयर करेगा और बोलेगा कि हाँ भाई इक्वल टू है, मेरा दोनों वैल्यू इक्वल हो रहा है। तो क्या इसका इंटरप्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुआ है? तो ये क्या भेजेगा? अब भी ये भेजेगा वेक्टर नंबर उसका, जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन उसको कॉल करना है। तो आपको समझ में आया कि ये कैसे वर्क करता है इन अ कैस्केड मोड। कैस्केड मोड में क्या होता है आपको समझ में आया? ये कैस्केड वेफर कंपैरेटर है जो कंपेयर करता है, राइट? और बताता है कि भाई कौन सा वैल्यू सिलेक्ट हुआ है, कौन से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुए, कौन से स्लेव की। तो फ्रेंड्स, अभी आज हमने देखा कि 8259 इंटरप्ट माइक्रो कंट्रोलर के बारे में देखा, इंटरप्ट कंट्रोलर के बारे, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर के बारे में देखा, जो बहुत ऐसा इंटरेस्टिंग था और बहुत सही था, इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखो ये वीडियो को,
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।